जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेल, जिसको हिंदी में बोला जाता है कोशिका, जो आपके आने वाले आगामी एग्जाम में इससे रिलेटेड प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ तैयारियाँ कराते हैं। देखिए, हम हर एक कॉम्पिटिशन की तैयारियाँ कराते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जो सेल पढ़ाएंगे बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाएगा। आइए देखते हैं। देखिए, पढ़ेंगे सेल, पढ़ेंगे क्या, सेल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका। सेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। यहाँ एक पॉइंट आप लोग समझिएगा, यह जो सेल है यानी यह जो कोशिका है, हमारे पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं उन सभी में कोशिका होता है। जिस जीव जंतु में कोशिका नहीं रहेगा वो क्या है? निर्जीव है। आइए देखते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक बात आपको बता रहे हैं। देखिए, जो सेल होता है ना, तो हमारा बॉडी जो है सेल से ही बनता है। कैसे बनता है? देखिए, पहले एक पॉइंट आप लोग समझ लीजिए। देखिए, पहले सेल बनता है, यानी क्या होता है, पहले बहुत सारे कलेक्ट होते हैं सेल, यानी क्या होते हैं, कोशिका होते हैं। उसके बाद कई सारे कोशिका मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करता है। एक किसका निर्माण करता है? टिश्यू का है। एक टिश्यू का निर्माण करता है। उसके बाद क्या करता है? उसके बाद एक ऑर्गन का निर्माण होता है। उसके बाद एक ऑर्गन का, और उसके बाद तो उसके बाद एक सिस्टम का। यहां समझिएगा, मैं इसको इसलिए आपको बताया हूं। देखिए, जो हमारा बॉडी है ना, हमारा बॉडी है सेल से ही मिलकर बना है, यानी कई सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बनता है, और कई टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण होता है, यानी कई सारे टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन का निर्माण करता है, और कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम। देखिए, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, समझ लीजिए। सेल को बोलते हैं कोशिका, सेल को बोलते हैं कोशिका, टिश्यू को बोलते हैं उत्तक, ऑर्गन को बोलते हैं अंग, और सिस्टम को बोलते हैं बॉडी, यानी जिसे शरीर भी आप बोल सकते हैं। यहां देखिए, अब इसको समझ लीजिए, कई कोशिका मिलकर एक उत्तक का निर्माण करता है, और कई उत्तक मिलकर एक अंग का, और कई अंग मिलकर एक शरीर का। अब देख लीजिए, यहाँ देखिए, जो ऑर्गन होता है यानी अंग जो होता है, देखिए जैसे मान लीजिए यह मेरा उंगली है, यह क्या है, हमारे एक पार्टी बार्ड का है, क्या है, एक पार्ट है, यानी क्या है, भाग है, यानी आप इसको अंग बोल सकते हैं। जैसे आँख, कान, नाक, ये सब क्या है, एक हमारे शरीर का अंग है। तो वहीं कई सारे अंग मिलकर एक सिस्टम यानी हमारे एक शरीर का निर्माण होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ आपको समझाने के लिए सब बताया हूँ। आइए देखते हैं, कोशिका का अध्ययन किस में होता है, यानी कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, यानी प्रश्न को समझिएगा। जिस विज्ञान में कोशिका का अध्ययन किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। तो प्रश्न पूछेगा कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? साइटोलॉजी में। कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में। लेकिन यह किस पर खोजे थे? तो मृत कोशिका पर, यानी कि मृत कोशिका की खोज किए थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी यहाँ समझिएगा, जो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किए हैं, क्या वह जीवित कोशिका की खोज किए हैं कि मृत कोशिका का? तो आपका आंसर हो जाएगा मृत कोशिका का। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि मृत कोशिका की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। देखिए, प्रश्न घुमाकर भी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जो आजकल जो एग्जाम हो रहा है उस सब प्रश्न वहीं रह रहा है, लेकिन उसको घुमा दे रहा है। तो प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, मृत कोशिका की खोज किसने की? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी, इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हुक को, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे बोला जाता है? रॉबर्ट हुक को। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। कब? 1665 ईस्वी में। प्रश्न पूछेगा कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। आइए नेक्स्ट इसी में देखते हैं,
जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की? देखिए हम अभी यहाँ पर बताएं ना, यह है मृत कोशिका, यानी मृत कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने। और यहाँ पर देखिए प्रश्न यह बन गया है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी में एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक ने। तो देखिए प्रश्न को घुमा दिया है, यहाँ पर प्रश्न पूछेगा कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक ने। कब? तो 1774 ईस्वी में। इसलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, इसलिए बोला जाता है फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रॉबर्ट हुक को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी, और इनको बोला जाता है एंटोनियो वान ल्यूमेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिका केंद्रक की खोज किए थे। प्रश्न देखिए, यह ग्रुप डी का प्रश्न है, 2018 में यह प्रश्न आया था, यह ग्रुप डी 2018 में यह प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका केंद्रक की खोज किसने की। बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा, कोशिका केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने, ध्यान दीजिएगा 1881 ईस्वी में। आइए नेक्स्ट इसी में समझेंगे, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिए थे। यहाँ देखिए प्रश्न पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। ध्यान दीजिएगा, देखिए प्रश्न को कैसे कंफ्यूज कर देगा, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। कोशिका केंद्र की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। और हमारा जो शरीर है वह कोशिका से मिलकर बना है, यानी कौन बोले थे कि जो हमारा शरीर है वह कोशिका से मिलकर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। यह प्रश्न को लिख लीजिएगा, प्रश्न पूछेगा कि किस वैज्ञानिक ने बोला था कि हमारा जो शरीर है वह कोशिका से मिलकर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए हम आपको बताएं कि जैसे एग्जाम में प्रश्न बनेगा वैसे ही मैं बोलकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, तो प्रश्न ऐसे बनेगा, तो देखिए जैसा प्रश्न बनेगा वैसे मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो यह प्रश्न कैसे बनेगा, देखिए प्रश्न बनेगा कि किस वैज्ञानिक ने यह बताया था कि जो हमारा शरीर है वह कोशिका से मिलकर बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं स्वान ने। एक एक पॉइंट को नोट डाउन करते रहिएगा। और शरीर की यह सबसे छोटी इकाई भी है, और यह शरीर की सबसे छोटी इकाई भी है, बिल्कुल बात है। देखिए प्रश्न ऐसे बनेगा कि किस वैज्ञानिक ने बताया था कि हमारा शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो कोशिका है। किस वैज्ञानिक ने? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। हमारा शरीर जो है वह कोशिका से मिलकर बना है, किस वैज्ञानिक ने बताया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। आइए नेक्स्ट समझते हैं, देखिए सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो माइकोप्लाज्मा में। देखिए ध्यान दीजिएगा, यह किसकी बात करते हैं? ओवरऑल की, यानी कि प्रश्न ऐसे बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रश्न डायरेक्ट बनेगा कि सबसे छोटी कोशिका किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा में। और सबसे बड़ी कोशिका किस में पाया जाता है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे में। अब देखिए मानव में सबसे छोटी कोशिका, यानी देखिए अभी हम बताएं ओवरऑल में जब प्रश्न पूछेगा कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा की, और सबसे बड़ी तो शुतुरमुर्ग के अंडे की, लेकिन प्रश्न मानव से पूछ देगा कि मानव में सबसे छोटी कोशिका तो किसमें पाया जाता है? तो स्पर्म में पाया जाता है, यानी मानव में बात करते हैं कि मानव में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो स्पर्म में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ी कोशिका पाया जाता है फीमल के अंडाणु में, फीमल के अंडाणु में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे लंबी कोशिका किसमें पाया जाता है? तो न्यूरॉन में। यह न्यूरॉन कहाँ पर होता है? तो ब्रेन में होता है। और यहाँ पर देखिए जो ब्रेन होता है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि सिर पर जब चोट लग जाता है तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। रीजन यह है कि उसमें क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए देखते हैं सिर पर हेलमेट लगाया जाता है। तो यही रीजन है कि सिर पर हेलमेट लगाया जाता है, बाकी जगह चोट लगेगा तो आदमी जीवित रह सकता है, लेकिन सिर पर लग जाएगा तो नहीं रहेगा। इसका रीजन यह है कि उसमें क्या होता है, आपको बता दें कि कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसलिए सिर को बचा कर रखना चाहिए, जैसे उस पर चोट लग जाएगी दबाव से तो वो आदमी की मृत्यु हो जाएगी।
तो सबसे लंबी कोशिका किसे में पाया जाता है? न्यूरॉन में, जो कहाँ पर होता है? तो ब्रेन में होता है। और सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? यहाँ देखिए, सबसे तेज की बात करते हैं तो लीवर में होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। यकृत यानी देखिए, यदि लीवर कट भी जाएगा तो वो जुट जाएगा, यानी इसमें कोशिका विभाजन बहुत तेज होता है, जबकि ब्रेन में नहीं होता है। ब्रेन में चोट लगने के बाद वो आदमी ठीक नहीं होगा, या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाएगा। और सबसे तेज कोशिका विभाजन किस में होता है? तो लीवर में होता है। किस में? तो यकृत में होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो भी एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट प्रश्न है वही हम सिर्फ लाते हैं आपको बताने के लिए, बाकी सारे बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं बिल्कुल हम वही आप लोगों को बताते हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जब एग्ज़ाम में बैठेगा तब आपको पता चलेगा कि हाँ, जो पढ़ाए हैं एग्ज़ाम में आया है कि नहीं आया है। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसे एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, इतना तो ध्यान दीजिएगा। यदि हम सेल पढ़ा दिए हैं तो एग्जाम में सेल से प्रश्न आएगा तो इसे बाहर नहीं जाएगा, यह समझिए कि पार्ट वन है। अभी सेल में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, माइक्रोकांडिया है, प्लाज्मा है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, और लाइसोसोम है, ये सब बहुत सारे प्रश्न हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे, यह समझिए कि पार्ट वन है। लेकिन जब पढ़ा देंगे तो पेपर से बाहर नहीं जाएगा, इतना ध्यान दीजिएगा, ज़रूर प्रश्न आ जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।